रूस और यूक्रेन के युद्ध को पूरा वर्ल्ड देख रहा है, किस तरीके से वार यूक्रेन में हो रहा है, रूस किस तरीके से हमला यूक्रेन पर कर रहा है। इसी बीच में कुछ वहां पे जो भारतीय स्टूडेंट थे वे वहां पर फंसे हुए थे। एक राहत की खबर है कि इंडिया के उत्तर प्रदेश के जिला शामली की एक लड़की आर्या धीमान वहां से निकल कर आई है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की चुनौती उनके सामने थी और किस तरीके से वे चुनौती को पार करके शामली पहुंची है, क्या स्थिति यूक्रेन में रही उनकी और उन्हें किस तरीके एडवाइजरी दी गई थी, इस बारे में हम सब तमाम बातों पर उनसे बात करेंगे। आर्या, आप किस तरीके की स्थिति वहां पर थी जिस समय आप वहां पर पढ़ाई कर रहे थे? जब मैं वहां पे थी तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, कोई हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी और एम्बेसी की तरफ से भी हमें कोई ऐसा एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं की गई थी उस टाइम तक कि आप लोगों को चले जाना चाहिए, बल्कि बाकी और कंट्रीज ने बोल दिया था अपने सिटीजन को कि आप चले जाइए क्योंकि वॉर की जो है कंडीशन हो सकती है। पर इंडियन एम्बेसी ने तब तक कुछ नहीं बोला था, लास्ट इंडियन एम्बेसी ही थी शायद बोलने के लिए कि इंडियन सिटीजन अब जा सकते हैं। पर जब तक हम लोग आए तब तक वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब नॉर्मल था, कॉलेज हमारा चल रहा था बिल्कुल ऑफलाइन और हमें वैसे भी कोई किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, तो जिस समय ये चल रहा था मामला तो आपकी तरफ कोई एम्बेसी की तरफ से कोई एडवाइजरी आपकी तरफ आई कि कुछ ऐसा होने वाला है आप सतर्क रहिए, या फिर आपकी क्लासेस चलती रही या आप ऑफलाइन क्लास रही ऑनलाइन क्लास रही, तो आपको इस तरीके कोई बताया गया उनकी तरफ से? एम्बेसी की तरफ से आया था एक एडवाइजरी, उन्होंने बोला था कि जितने भी नॉन एसेंशियल इंडियंस हैं वो जा सकते हैं, पर हम एज अ स्टूडेंट हम लोग को कोई क्लैरिटी नहीं मिली थी कि हम एसेंशियल हैं नॉन एसेंशियल हैं। इस बात पे काफी यूनिवर्सिटीज के सभी बच्चों ने एम्बेसी से कॉन्टेक्ट भी किया कि हमें ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर दी जाए ताकि हम सेफली जा सकें, पर एम्बेसी ने बोला भी था कॉलेजेस को ऑनलाइन के बारे में, पर कॉलेजेस ने उस बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने बोला कि कोविड की सिचुएशन में ऑनलाइन हो सकता है, पर अभी कोविड नहीं है तो हम लोग अभी ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो आपको फिर बाद में क्या स्थिति बताई गई कि अब आपको जाना है, या आपने खुद ही अपने पेरेंट्स से संपर्क किया, किस तरीके का रहा? इंडिया में क्योंकि सब चीज की बहुत टेंशन थी, पर वहाँ के जो लोग हैं उस चीज को बिल्कुल नॉर्मली ले रहे थे, बिल्कुल गवर्नमेंट और कॉलेज की तरफ से हमने कॉलेज में भी कॉन्टेक्ट किया कि ऐसी सिचुएशन है हमें जाना चाहिए, पर उन लोगों ने बोला कि कुछ नहीं होगा, देयर विल बी नो वॉर। तो हम लोगों ने ये खुद ही डिसाइड किया कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इंडिया में पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरीड थे न्यूज चैनल्स पे देख के, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है अगर नहीं कुछ होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ हो सकता है इसलिए हमें चले जाना चाहिए। अच्छा, यूक्रेन सरकार की तरफ से आपको ये सेटिस्फाई करते हैं कुछ नहीं होगा आप यहाँ पर रह सकते हैं, इस तरीके का चलता रहा? और आपके साथ कितने बच्चे और ऐसे थे जो आपके साथ थे? बहुत बच्चे थे, समझिए कि मेरी ही यूनिवर्सिटी में होंगे 1000-1500 बच्चे, और हमें कॉलेज बिल्कुल बोलता रहा कि कुछ नहीं होगा और हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। सब जिनसे भी हम वहाँ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इवन वहाँ के सिटीजन भी यही बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आप जब आ रहे थे उस समय आपने अपने पेरेंट्स से संपर्क किया, पेरेंट्स से किस तरीके से आप वहाँ से आए, क्या उन्होंने, अगर आप वहाँ से आ रहे थे तो उन्होंने मना भी किया होगा कि आप मत जाइए, ऐसा कुछ रहा? नहीं, पेरेंट्स तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा वरीड थे क्योंकि यहाँ पे इंडिया में न्यूज में सब दिखा ही रहे थे किस तरीके से सिचुएशन है, तो पेरेंट्स को ये था कि कहीं कुछ हो जाएगा और हम लोग फंस जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो पेरेंट्स तो कंटिन्यूअसली बोल रहे थे कि अगर आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसा कुछ हो सकता है तो आप लोग आ जाइए, तो इसीलिए फिर पेरेंट्स की ही उससे हमने ये डिसीजन बनाया कि आ जाएंगे। तो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? जब हम लोग आए तब कोई प्रॉब्लम थी, नॉर्मल फ्लाइट चल रही थी और कॉलेज भी एकदम नॉर्मल था, वहाँ लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, हम लोग एज नॉर्मल आए हैं एकदम बिल्कुल। पर आने के बाद ही 23rd में, जैसे कि दिखाया 23rd रात में, हाँ ये सब। अच्छा, अब भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर हैं, उनसे कोई कॉन्टेक्ट होते बात होते, किस तरीके की उनके सामने कंडीशंस हैं वो आप शेयर करती हैं? काफी बच्चे हैं वहाँ पर और प्रॉब्लम्स हैं वहाँ बहुत ज्यादा इस वक्त, क्योंकि खाना नहीं है, पहले दिन था लेकिन अब मार्केट स्टोर वगैरह सब खाली हो चुके हैं, खाना नहीं है और हर जगह शेलिंग हो रही है, खार्किव में, कीव में बहुत ज्यादा, और बच्चे जो हैं वही बॉम्ब शेल्टर्स में हैं मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो वही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, एक अभी अभी वीडियो एक जारी हुई थी कि जो वहाँ की जो सरकार है उन्होंने कहा कि आप फ्लैग एक बना लीजिए, आप पर कोई हमला नहीं करेगा, कोई इस तरीके का जो आपको कुछ संज्ञान में आया कोई मामला? ऐसा बोला था कि वो उन बच्चों के लिए है शायद जो कि बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं अभी जाने के लिए रोमानिया या फिर अदर कंट्री से जो आ रहे हैं, पर नॉर्मली तो आप वहाँ ऐसे अभी घूमने के लिए मना भी किया है घर से बाहर निकलने के लिए, तो वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि अभी बॉर्डर क्रॉस करेंगे। अच्छा, अंदाजा आप लोगों को था पहले से ही कि ऐसा हो सकता है, आपने आने का प्रोग्राम बनाया, मगर सरकार की तरफ से उधर से फिर भी आपको कहते रहे कि नहीं अभी नहीं जाना है,
तो बच्चों ने क्या आपके साथ कितने स्टूडेंट्स और यहाँ पर जो आप आए कितने स्टूडेंट्स इंडिया में? इस सबसे पहले शायद 500 550 बच्चे ही आ पाए होंगे, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं आ पाए क्योंकि सब लोगों को यही टेंशन थी कि कॉलेज ऑनलाइन नहीं होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा अगर यहाँ कुछ ना हुआ। तो हम लोग सब उसी का वेट कर रहे थे कि कॉलेज कुछ बताए तो हम लोग फिर जाएंगे इंडिया वापस। सब मम्मी पापा के लगातार संपर्क में थे आप लोग, तो जी, पेरेंट्स के बिल्कुल कांटेक्ट में थे। हाँ, जब भी उम्मीद बनी आपको कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए? तभी क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरीड हो रहे थे तो हम लोग को लगा कि अगर नहीं भी होता कुछ तो वो सेफर साइड है, पर फिलहाल सेफ्टी जरूरी है तो हमें निकल जाना चाहिए। अच्छा, अब की हालात ऐसी है जो कुछ बच्चे हैं आज, कुछ इंडियंस जो हैं 300 के करीब स्टूडेंट्स आज इधर अपना दिल्ली में आ रहे हैं, तो और भी हैं, तो आपसे किसी सोर्स से संपर्क है भाई, क्या स्थिति चल रही है वहां पर ऐसी कुछ? जी है बिल्कुल, जो फिलहाल जो है वो लिवी और इवानो साइड के जो बच्चे हैं, जो कि कीव से वेस्टर्न शायद लगता है उधर साइड के बच्चे आ पा रहे हैं, लेकिन जो खारकीव और जो खारकीव के आसपास का रीजन है वहाँ के बच्चे नहीं आ पा रहे क्योंकि रोमानिया और इन सबका बॉर्डर जो है वो बहुत ज्यादा दूर है खारकीव से। ऐसा है शायद 14 या 15 घंटे का रास्ता है, तो वो किस कंडीशन में क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिलहाल इसी साइड के बच्चे आ पाए हैं, खारकीव और इन साइड के बच्चे नहीं है अभी, उनके लिए कोई इवैक्यूएशन प्लान अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो आपके जो अब आगे की पढ़ाई का है, तो आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या बंद हो गए, ऐसा कुछ सिस्टम है? आगे आगे की क्या स्थिति रहेगी? फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें यही एक नोटिस आया है कि जब तक ये कंडीशन नहीं सही होती क्लासेस नहीं ली जाएंगी, और इसके बाद फिर ऑनलाइन होगा कुछ टाइम के लिए, जैसे भी होगा बताएंगे। तो ये हमारे साथ आर्य धीमान जी, इन्होंने सब बताया कि जो स्थिति वहां पर यूक्रेन में रही, किस स्त्री के साथ इन्हें ये इंडिया वापस आई और आज अपने माता पिता के साथ यहाँ शामली में है, और आज बताया जा रहा है कि 300 के करीब बच्चे स्टूडेंट्स जो है जो भारतीय विमान है उससे आज दिल्ली 9 बजे के करीब उतरेंगे, और शामली के और भी स्टूडेंट्स है, 12 के करीब स्टूडेंट्स है जो वहां पर फंसे हुए हैं और उनको लाया जा रहा है। प्रताप